नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीप राम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइव कोच। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आभार, या यूँ कहें धन्यवाद या कृतज्ञता। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें आपका फिर से हमारे जो घर का जो बगीचा है, इसमें आप फिर से स्वागत है। आप ये देख रहे हैं कि अभी अभी बरसात हुई है और वैसे तो मानसून का मौसम ही चल रहा है। आप इस पेड़ को, आप इस पत्तियों को आप देखेंगे, केले का पेड़ है। इसमें एक इसकी जो छोटी छोटी जो बूंदें हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे मोतियों की तरह ऐसे चमक रही हैं, देखिए आप ये। तो ये मैं बहुत सारे पर्यावरण के ऊपर बहुत सारे वीडियो भी बना चुका हूँ, जो कि अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें हमारे घर के अंदर लगभग 150 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है आभार या धन्यवाद। हमारी हमारी हमारे जो इर्द गिर्द हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो बॉसेज हैं, बहुत सारे हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन हम कितने बार उनका धन्यवाद देते हैं, उनका आभार देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कृतज्ञता या आभार, जिसे हम गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो उसको हम जब कई बार मैं मोटिवेशन जब सेशन लेता हूँ, तो वहाँ पर जो ऑडियंस होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप रात को सोते समय क्या आपने गॉड को, ईश्वर को धन्यवाद दिया? तो उसमें से कुछ ही परसेंट हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ, हमने दिया। और फिर मैं उनसे फिर ये पूछता हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं, कितने लोगों ने गॉड को या ईश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया? तो उसमें से बहुत कम ही लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम लोग धन्यवाद देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों है। इसमें बहुत सारे धन्यवाद हमें इस बात का देना चाहिए कि आज जो हम हैं, जो हमारा जो शरीर है, इसको पाने के लिए इस दुनिया के अंदर जो करोड़ों लोग हैं वो तरस रहे हैं कि हम उनका शरीर ऐसा क्यों नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके पास में कपड़े नहीं है पहनने के लिए, पढ़ने के लिए उनके पास में किताबें नहीं हैं, और स्कूल जाने के लिए उनके पास में यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग क्या है कि कृतज्ञता प्रकट नहीं करते, धन्यवाद हम आभार प्रकट नहीं करते। तो इसी को एक, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम समझने के लिए यदि हम कहानियों का सहारा लें, तो मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। तो आज हम एक कहानी का माध्यम लेते हैं। तो कहानी क्या है कि इसमें एक बहुत ही करीबन 8-10 मंजिल की एक जो इमारत है, उसका निर्माण कार्य चल रहा होता है, करीबन 8-10 मंजिल हम मान सकते हैं। तो उस पर नीचे एक जो लेबर है, जो मजदूर काम कर रहे होता है, ऊपर जो ठेकेदार है लगभग 8वीं मंजिल पे। तो वहाँ से जो ठेकेदार है वो अपने मजदूर को, जो उसकी जो लेबर है उसको बहुत तेज़ आवाज़ देता है किसी काम की वजह से, लेकिन जो उसके जो मजदूर है नीचे, अब वो उसकी बात को सुन नहीं पाता क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वो सुन नहीं पाता। तो उसमें फिर उसको उसने एक तरीका निकाला, ऊपर से उसने एक रुपये का सिक्का फेंका ऊपर से। तो वो 1 रुपये का सिक्का उस मजदूर के सामने गिरा ऐसे। तो उस मजदूर ने देखा, उस सिक्के को उठाया और अपनी जेब में रख लिया, फिर वो काम पर लग गया। फिर उसने देखा कि फिर ठेकेदार की बात उस मजदूर ने सुनी नहीं। फिर उसने आकर्षित करने के लिए फिर उसने 5 रुपये का सिक्का फेंका, ऐसे उसने ड्रॉप कर दिया, तो जस्ट उसके मजदूर के सामने गिरा। फिर उसने देखा, उस मजदूर ने उस 5 रुपये के सिक्के को भी अपने जेब में रख लिया। फिर भी उस बात उसने मतलब मजदूर ने बात नहीं सुनी। फिर उसने उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए फिर 10 रुपये का सिक्का फेंका, तो 10 रुपये के सिक्के को भी उस मजदूर ने अपनी जेब के अंदर उठा के रख लिया। अब उसको बात करना बहुत ज़रूरी थी ठेकेदार को, तो फिर उसने एक और नया तरीका ईजाद किया। उसने तो एक छोटा सा ऐसे कंकड़ लिया, उसने एक छोटा सा, जैसे हम मान सकते हैं कि इतना सा छोटा सा कंकड़ लिया ऐसे, और उसने इसके ऐसे सिर पे, जैसे मेरा सिर है ये ऐसे, तो सिर पे ऐसे उसने ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप कर दिया तो इससे पहले तो वो सिक्के गिर रहे थे उसके पास में, तो उसको उठाया जा रहा था, लेकिन जैसे इसके ऊपर एक कंकड़ गिरा, पत्थर गिरा, तो उसके सिर के ऊपर ऐसे, तो उसने जैसे इसने ऐसे देखा ऊपर, तो ऊपर देखा, तो अब देखिए कि जो ठेकेदार है और जो क्या बोलते हैं वो जो मजदूर है, उन दोनों में आपस में वार्तालाप चालू हो गई। तो ऐसे ही यदि हम इसको देखें, तो जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो हमें रोज़ाना बहुत सारी हमें खुशियाँ देता है, बहुत सारी, जैसे हमें पहनने के लिए कपड़े भी देते हैं, अच्छी अच्छी कई लोगों को गाड़ियाँ भी मिलती हैं, घर भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं फिर भी वो दुखी हैं। तो मैं तो कई बार अपने सेशन में बात भी करता हूँ, बहुत सारे जो लोग हैं, यदि हम उनको पूरा का पूरा शहर दे दें या पूरे का पूरा दुनिया दे दें, तो रोने वाले तो रोते रहेंगे। अभी देखिए कि मेरा ये वीडियो कंटिन्यू है, इसमें धीमे धीमे बरसात भी चालू हो गई है, लेकिन इसको मैं कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही, लेकिन हम उन खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और ईश्वर को या गॉड को या अपने जो भी लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं समय समय पर, हम उनका आभार प्रकट नहीं करते, हम उनका धन्यवाद प्रकट नहीं करते। लेकिन जब मुसीबत आती है और जब हमें जो खुशियाँ मिलती है उनको हम भाग्य समझकर उनको स्वीकार कर लेते हैं और उनका हम आभार प्रकट नहीं करते। लेकिन जैसे ही
जैसे वो कंकड़ गिरा उसके मजदूर के सिर पर, तो उनकी वार्तालाप चालू हो गई। कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम उसको ऐसे समझें कि जो कंकड़ बनाने वाले को, गिराने वाले को हम एज ए गॉड मान लें और उसको हम एज ए हम मान लें, तो उसमें हम जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब हमारे पास में मुसीबत आती है, तभी हम गॉड को या ईश्वर को हम याद करते हैं और विभिन्न धार्मिक स्थानों पर हम जाते हैं। तो इसी तरीके से तो हम ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, तो ये तब हम ये कहते हैं कि तब भगवान हम पर, या हम यदि ये कहें कि कई बार हम खुशियों के जब उसको याद नहीं करते हैं, तब भगवान हम पर एक छोटा सा एक पत्थर फेंकते हैं, जिसे हम कठिनाई, तकलीफ या दुख हम कहते हैं, फिर हम तुरंत उसके निराकरण के लिए भगवान की ओर देखते हैं। तो यही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, यदि हम हमारी छोटी से छोटी खुशी भी भगवान के साथ उसका धन्यवाद देते हुए बांटें, तो हमें भगवान के द्वारा फेंके हुए पत्थर का इंतज़ार ही हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इस कहानी के माध्यम से हमने, मैं पहले भी कई बार अपने कई वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि यदि किसी भी इंसान ने थैंक्स और सॉरी यदि कहना सीख लिए, दोनों अनमोल हैं, थैंक्स और सॉरी। तो इसमें यदि किसी ने आपका काम कर दिया, कोई भी हो, चाहे परिवार में हो, कोई भी हो, आपका मित्र हो, कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के में हो सकते हैं, तो कई बार हमारे कई लोग हमारे बड़े बड़े काम कर देते हैं, हमारी मुसीबत में साथ देते हैं, लेकिन हमारे मुंह से थैंक्स बिल्कुल नहीं निकलता है। और हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, लेकिन ईगो की वजह से हम सॉरी भी हम नहीं बोलते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आभार प्रकट करें, उस ऊपर वाले का आभार प्रकट करें जिसने हमारी सहायता की है, हमारी जो हेल्प की है। तो हर बार की तरह मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएँ दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के बटन को दबाएं। मैंने एक मोटिवेशन बुक तैयार की है जो कि स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। उसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। यदि आप मतलब किसी को भी चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो अब तक पूरे देश भर के मैं हज़ारों की तादाद में उनको मैं दे चुका हूँ। तो आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। आप उस वीडियो, उस बुक की भी आप ये देख सकते हैं, ये एक मैंने एक छोटी सी बुक बनाई है। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।